आइए भक्ति में लीन होने के लिए वोकल म्यूजिक भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। गोवत्स द्वादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी कहा जाता है। इस दिन गाय की पूजा का महत्व है। प्रातःकाल जाग कर नहा धोकर श्वेत वस्त्र धारण कर गाय की व बछड़ों की पूजा की जाती है। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि जब शाम के समय गाय जंगल से वापसी आवे तो उनके अगले पांव को धोना चाहिए, उनके तिलक लगाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, गाय के दूध को अमृत कहते हैं। गाय का मल मूत्र भी पवित्र माना गया है। ऐसी पवित्र गाय की सेवा करना प्रत्येक गृहस्थ का परम धर्म है। इस दिन गेहूं के बने हुए पदार्थ गाय को खिलाएं। इस दिन गाय का दूध और गेहूं की बनी हुई कोई भी भोजन सामग्री और कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। पूजा करके गोवत्स द्वादशी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल व दक्षिणा भेंट करनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है कि गाय के भीतर ही हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं। भगवान कहते हैं कि जो गाय और ब्राह्मण की पूजा करते हैं या उनका हित करते हैं वे हमेशा मेरे धाम में निवास करते हैं। गोवत्स द्वादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने जो बछड़े वो चराते थे उनको छोड़कर गाय को चराना प्रारंभ किया था। गाय को ही जंगल लेके जाते थे। इस दिन गोवत्स द्वादशी का त्यौहार मनाया जाता है जो हमें बहुत ही पुण्य प्रदान करता है। हमें गाय के चरणों की रज धूल या गाय के पांव के नीचे की मिट्टी अपने सिर पर धारण करनी चाहिए जिससे हमारे सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं।